पंचायत भवन में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और जो विधेयक सरकार ने अभी पारित किए हैं उनके बारे में पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ बताने का प्रयास करेंगे किसानों को, और किसानों के हक की इसमें क्या बात है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर है जहाँ पे संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर कैमरा को ले जाने की कोशिश करें। जी, आपने सवाल का वाजिब किया है। अब मैं उस प्रदेश कमेटी में नहीं हूँ और ये सरकार फैसला लेगी। आज 7 तारीख है, मुझे लगता है लास्ट वीक ऑफ मुझे आना सितंबर, मुझे लगता है उसमें शुरू होनी चाहिए। और मैं भी प्रयास करूँगा जो हमारे इसके केसेस हैं हमारे मुख्यमंत्री से जे पी दलाल जी से, क्योंकि कोरोना के अंदर एडमिट हैं, कोई बात भी नहीं कर सकते, जैसे ही वो जो है ना वहाँ से उसके ऊपर से डिस्चार्ज होंगे निश्चित रूप से मैं बात करूँ। सर, एक तरफ तो अध्यादेश को लेकर बात करें, सरकार की कोशिश कह रही है किसानों के लिए कोई चीज़ करते हुए 100% से विपक्ष जो है ना बिना किसी मुद्दे के, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है ना मुद्दा विहीन है, वो हमारे किसान बड़े बड़े किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। तो हमारे सारे आज कैथल जिले के अंदर जो है ना 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसान गोष्ठी का आयोजन किया है, अभी कैथल जिले का कैथल विधानसभा में है और 3:30-4 बजे गोला विधानसभा का है सिद्धो पैलेस के अंदर गाँव के अंदर। उसमें किसानों का अवेयर करना है, जो भारतीय किसान यूनियन के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना नेता उनके पास, ना नीति ना नियत, ऊपर कैसे जूतम बाजार हो रहा है। मतलब उनके ऐसे नेता जो पिछले 35 साल से वर्किंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, कितने कह रहे थे 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, वो कह रहे 50 साल तक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि उनका संगठन बिखरा पड़ा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने 1 महीने के अंदर जो है ना किस प्रकार से मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष घोषणा कर दी, उनके पिछले अध्यक्ष इतने साल तक रह गए, नवे को भी हो गया इतने साल, धन कुमारी से अध्यक्ष वो जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाए, इसलिए वो बिना मुद्दे के जो है ना केवल भोले भाले किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। ये जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आई है, ये 100% किसानों के हितैषी, किसान की फसल की जो है ना उसका बिक्री कैसे, उसका ट्रेड, उसके कॉमर्स कैसी हो, किसान के किस प्रकार से उसका एग्रीमेंट ऑन उसका एश्योर्ड जो है ना उसकी वैल्यू है, और उसका उसकी प्रमोशन कैसी हो, उसकी जो है ना प्रोटेक्शन कैसी हो, और तीसरा जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है उसकी आवश्यक वस्तु है, यानी कि किसान ने अगर कोई ट्रेड कर रहा है उसके लिए कोई सीमा नहीं है उसके रखने के लिए, नहीं तो पहले जो है ना इतने वो स्टॉक नहीं कर सकता जो हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। और कॉन्ट्रेक्चुअल खेती, ये अपने प्रदेश के अंदर भी लगभग शायद 1500 एकड़ के करीब जो है ना अनुबंध आधार पर खेती हो रही है, तो उसमें किसानों को डरने की जरूरत है, अगर घाटा भी पड़ेगा उसका प्रयोजक को है कंपनी को, किसान को भी घाटा नहीं, कोई उसकी ज़मीन गिरवी नहीं होगी, कोई इसको बेच नहीं सकता, कोई इसको दूसरे व्यक्ति खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो किसान अपनी फसल मंडी में बेचने उसकी MSP पे, अगर उससे ज़्यादा दाम उसको बाहर मिलता बाहर बेच सकता। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे जो आढ़ती भाई, हमारी सरकार ये चाहती है वो आढ़ती भाइयों को किसी प्रकार के डरने की घबराने की जरूरत नहीं, MSP पे बिकेगा तो मंडी में बिकेगा और अपने आढ़ती भाइयों के माध्यम से ही बिकेगा। दूसरा, प्रदेश सरकार ये चाहती है और ये अध्यादेश ये कहता है, कोई सेब मार्केट है, कोई मसाला मार्केट है, कोई हॉर्टिकल्चर की भी जगह है जो अनाज मंडी हमारी गेहूँ करी, इसके अलावा भी और उनको रियायती देने का मतलब मकसद इस अध्यादेश के अंदर तय किया है। सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता किसान संगोष्ठी आज आयोजित की गई है, इसमें आपने 3 अध्यादेश को मेन मुख्य तौर पर लिया है, 3 अध्यादेश जो किसान के अभी आपने किसानों को समझाने की कोशिश की है, क्या इन 3 अध्यादेशों के बारे में किसान एक मोटी भाषा में समझ पाए, ये क्वेश्चन की 3 अध्यादेश है, ये भी इनको केवल एक डर है भाई, सरकार MSP पे नहीं खरीदेगी, वो बोल दिया MSP पे खरीदेगी, 100% खरीदेगी, फिर उनको ये भी बताया कि क्यों खरीदेगी, क्योंकि जो है ना जो BPL जो है ना परिवार को जो 2 रुपये के लगभग 3 रुपये के चावल दे रही है वही खरीद के तो देगी ना, इसलिए ये बिल्कुल ही ये भ्रामक प्रचार, नहीं खरीदेगी, 100% खरीदेगी, उसका मैंने जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब, अभी आपने मंडी की बात की है, सरकारी खरीद है वो लगभग कब से लोगों को खरीददारी शुरू हो जाएगी किसानों के लिए? देखिए, ये आपने सवाल वाजिब किया है, अब मैं उस प्रदेश कमेटी में नहीं हूँ और ये सरकार फैसला लेगी, आज 7 तारीख है,
मुझे लगता है लास्ट वीक ऑफ जो है ना सितंबर, मुझे लगता है उसमें शुरू होनी चाहिए। और मैं भी प्रयास करूंगा जो हमारे इसके केसेस हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से जे पी दलाल जी से, क्योंकि वो कोरोना के अंदर वो एडमिट हैं, कोई बात भी नहीं कर सकते, तो जैसे ही वो जो है ना वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे निश्चित रूप से मैं बात करूँगा। सर एक तरफ तो अध्यादेश को लेकर बात करें, सरकार हितैषी कह रही है किसानों के लिए, हितैषी है अध्यादेश 100% है, और वहीं पर बात करें आज़ादी के दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया गया 10 तारीख को, वो इसके विरोध में जो है पिपली में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए जो किसान यूनियन के और साथ में विपक्षी पार्टी के लोग जो भ्रामक प्रचार करके किसानों को बरगला रहे हैं, वो मैं ये कहूँगा वो किसान विरोधी है। मैं और अंदर से और कुछ और कहवाना चाह रहे मैं वो नहीं कह सकूँगा, वो किसानों को भरमा रहे हैं, इसमें रत्ती भर भी सही नहीं है। और ये तो आपको जीरी के सीजन में सारी जो जीरी जो है धान सरकार खरीदेगी उनके पता लग जाएगा किसान। सर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया तो भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता किसान नहीं है बोल के कौन बताएगा, आम किसान को भी आवाज जाएगी? नहीं वो भी जाएगी लेकिन कोरोना के कारण जनसंख्या निश्चित कर दी सरकार ने प्रशासन ने, तो उसके तहत इस हाल में जितने आ सकते थे वो आ गए हैं, और यही जो है ना मतलब एक मौत पीस बन करके जो है ना सारे किसानों को बताएंगे बड़े बड़े इलाके की जीडीपी बार बार दिन पर दिन गिरती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए भाई मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश से जब से हरियाणा 1966 के अंदर बना है या 1947 में हरियाणा का हिस्सा बता रहा, 80,000 नौकरियाँ मनोहर लाल सरकार ने दी, अभी चार दिन पहले 4798 क्लर्क लगे हैं। मुझे बताओ पिछले जो हुड्डा की सरकार 10 साल रही केवल 20,030 पक्की नौकरी लगे, आरटीए ले लेना, जो चकाला की सरकार थी केवल 10,500 पक्की नौकरी लगे, अब ये बताओ कहाँ तो 80,000 और 4798 जोड़ लो, कहाँ 20,030 10 साल में और कहाँ 10,500 5 साल में। अब ये तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या अब इसके अंदर बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें क्या योगदान सरकार का कोई योगदान है उसमें? या तो कांग्रेस के समय में ये पकड़ के लेके आते थे भी बंदे छोड़ देते सीआईडी वालों को और अपने वर्करों को सरकार के, भाई कोई भी बेरोजगार सड़क पे मिल गया ना इसको तुरंत जो है इसको जो है ना रोजगार दो, ये था क्या? लोग जो है ना दर तक ठोकरें खाते थे थैले में पैसे लिए मेरा लड़का लग जाए। आज कंडीशन क्या है, आज बाप बेटे को कहता है बेटे जब नौकरी में लगना पढ़ ले, और पहले क्या होता था नौकरी लगना आड़ती से पूछो मम्मे बुआ से पूछो जो है ना कोई पैसे दे दे, इतना 4798 बच्चे लगे हैं उनके अपने आप में बहुत बड़ी बात। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना को अवसर बनाओ, वहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा के जो मंत्री विधायक हैं उन्होंने वाकई में कोरोना का अवसर बनाया है और कोरोना का पॉजिटिव मामला जो है लेकर वो घरों में दुब के बैठे। देखिए मैं उसके बारे में क्या कहूँ, आप सारा तो जानते हो बीजेपी के तो प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में, मैं कहूँगा उसके पास कोई है तो नहीं, तो बिना मटेरियल के जो है ना किताब ऊपर से दिख रही अंदर खाली पड़ी है सारा सौदा जो है, पूरे देश ने पटकनी कांग्रेस को लगा दी है, क्या मैं ज़्यादा नहीं उसके बारे में कुछ कहना चाहता। और जैसे उनके नेता ऊपर ले ऐसे निचले नेता हैं, आप इनकी पिछली रील निकालो पूरे कोरोना काल की, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस वाले तो रेस्ट हाउस की राजनीति करते हैं, अरब की बार तो रेस्ट हाउस मेरी ड्राइंग रूम की राजनीति करे घर के, ये तो कहीं नज़र नहीं आए। अब बीच में आता कहीं ना कहीं, कहीं 3 किट दे दी, कहीं 4 किट दे दी, कहीं 20 का ना सैनिटाइजर दे दे, ना ये बांट रहा हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता ने तो संगठन ने और गाँव में जा करके बस्तियों में भट्टे पे पोल्ट्री फार्म पे गरीब जनसेवा बस्तियों में जा करके सैनिटाइजर जो है ना ये मास्क बांटने का काम किया। शहर में पुलिस के चलान की प्रक्रिया को लेकर दुकानदार जो है वो विरोध कर रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि चलान की प्रक्रिया को लेकर जो है उनके पास ग्राहक नहीं आता, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखो चलान के डर के काम से तो ग्राहक कोई रुकता नहीं, ठीक है ना, ये तो नियम को अपने साथ जोड़ने की बात है। मान ले मैं गाड़ी में बैठ कर गया, मैंने बेल्ट लगाया, ठीक है ना, अगर मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा ये तो कितने वर्षों से कानून है ना ये भी हेलमेट लगा के चलना चाहिए, अब वो चल नहीं रहा, या तो वो उसकी जो है ना अवहेलना कर रहा है या वो बेपरवाह है, वो जगह जो देखी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा बिना हेलमेट से बिना सीट बेल्ट से, क्योंकि जो है ना मतलब इतनी दुर्घटना जहाँ मास्क की भी बात आती है, आज मैं कल मतलब कल के जो केस में आज पढ़ रहा था 230 केस कोरोना के, परसों भी 150-200 थे, तो इसमें बचाव में ही बचाव करते, तो इसमें बच्चे रहेंगे भाई, देखो मोर्टिलिटी भी हिसाब से बढ़ेगी, तो इसमें मेरा आपसे आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन को हाजिर के विनती करना चाहता हूँ
हम सोशल डिस्टेंस बना कर खड़े, अब देखो हमारे भाई सारे पत्रकार खड़े नहीं, मिल के खड़े ना, लेकिन हम दूर दूर खड़े हैं, लेकिन कोई फोटो खींचेगी, हम इकट्ठे भी होंगे और इसको नीचे भी करेंगे, लेकिन उसमें जो कभी लगाता नहीं वो भी बोलते हैं देखो कैसे पास पास खड़े 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 आप सारे पास। लेकिन फिर भी जो है ना, अगर हम बचाव में अपने को लेकर के चलेंगे, हम बचे रहेंगे। और कोरोना को मोदी जी का कहने का ये मतलब ये है, कोरोना को साथ जीने का जिए उसके साथ, जैसे बॉर्डर पे कोई भी आदमी डर को साथ लेकर तो जी रहा है, डर को साथ लेकर तो पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा भी आपके माध्यम से कहने का ये है, अभी जो SMS सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर, अभी मैं मुझे भी लेकर चलता हूँ पवन जी, आपके सवाल आपसे, करनाल में मामला बड़ा ही धूम पकड़ा हुआ है, हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामला, उसमें आरोप ये लगाए कि CM साहब ने उनको बचाने का, जो वो आरोप लगे कि जो आरोपी उनको बचाने का काम कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी ने ही पीड़िता की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, स्थानीय तो हूँ नहीं वहाँ, और जो स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा जाए इसके बारे में जानते हैं, तो करनाल वाले से पूछो आप, क्योंकि पूरे हर जगह का मुद्दा बन गया। तो लेकिन हम तो आपके माध्यम से ही, जो आप लिखते हो, आपके आवाज़ जो सोशल मीडिया, वो हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली स्थिति क्या है वहाँ के लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के बारे में आपने कहा निष्पक्षता से काम कर रही है, और अभी आपने देखा कि जो क्लर्कों की भर्ती का आपने जिक्र किया है, उनका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, तो क्या आप इसको सही मायने में मानते हैं कि जो आपने नारा दिया था बिना पर्ची और बिना खर्ची? 100% है भाई, फेसबुक पे बच्चे लिखते हैं मेरा भाई इसके अंदर लग गया, मैं लगा हूँ, उनको ये नहीं पता सिर्फ रिजल्ट आया, पेपर के पैसे लगे, और जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट करवाने की नज़दीकी, वो भी सरकार ने भी पेपर नहीं करवाए, इधर उधर तो नहीं करवाए ना, इसलिए बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ, आज गरीब का, झोपड़ी का, मजदूर का, छोटे किसान का, अर्जन बालिक का, दलित का, पीड़ित का, शोषित का, वंचित का, अगर कोई प्रतिभावान बच्चा, वो कह सकता है मैं नौकरी लग सकता हूँ, ये नहीं अभी बड़े जो है ना, बड़े बाप का बेटा लगेगा या मंत्री विधायक के पास घूमता वो लगेगा, ये इस पारदर्शिता से भर्ती करने का परिणाम आप लोगों के सामने है। जी डॉक्टर साहब, अंत में एक क्वेश्चन आपसे चाहूँगा कि आपने बहुत डिटेल में जो है ना किसानों को समझाया, और एक एक पॉइंट को लेकर के काफ़ी आपने डिटेल में जाने की कोशिश करी, लेकिन जितने किसान यहाँ पे आए, कुछ लोगों से हमने सुना किसानों से कि जी हमारे तो अभी ये जो 3 अध्यादेश है वही नहीं हमारे पल्ले पड़ रहे, कहाँ कहाँ से किसको हम क्या समझाएं? इसकी जरूरत भी जितना भी पड़ी है के पल्ले पड़े होते आने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा ना बार बार अभी मान लिया नाम दाम लिए किसी सत्संग में जाकर, फिर क्या कहते हैं अभी आए साल भंडारे में जाना, जबकि अक्सर तो वही बता दिए एक बार, दोबारा तो नहीं बदलते तो नहीं वो भी आए साल के नारे नाम दाम होंगे, इसलिए फिर संडे को भी सत्संग में जाते हैं, फिर कहा वीरवार कोई पार्टी आएगा, ये बार बार जब सुनेंगे संगठन ने सरकार ने जो संगोष्ठियाँ रखी हैं तो ये इसी वजह से रखी है, अभी कुछ जो है ना हम लोग बताएंगे बार बार सुनेंगे तो ध्यान देंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य है भारतीय जनता पार्टी के किसान संगोष्ठी के मुख्य जो अतिथि डॉक्टर पवन सैनी जी, भूतपूर्व विधायक, और उनके साथ मंच पर विराजमान रहे मौजूदा विधायक लीलाराम जी, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, और चेयरमैन तंवर जी। तो मैं जो है ना इस प्रोग्राम के बारे में संगोष्ठी के माध्यम से जो हमने ये प्रयास किया जानने का, तो अंत में ये आज़ाद न्यूज की तरफ से राजेंद्र कौशल, पॉलिटिकल रिपोर्टर कैथल, जय हिंद जय भारत।